खबर भोपाल से, जहां आंगनबाड़ी में मिलेट्स की ब्रांडिंग होगी। आंगनबाड़ियों में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अभियान चलेगा। गर्भवती और कुपोषित बच्चों को मिलेट्स दिए जाएंगे। महिला बाल विकास ने इसको लेकर कार्यक्रम जारी किया है। स्वास्थ्य, जनजाति सहित पंचायत विभाग इसमें शामिल है। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ। विवेक, आंगनबाड़ी में मिलेट्स की ब्रांडिंग की जाएगी, अब महिला बाल विकास ने इसको लेकर जो कार्यक्रम जारी किया, इसमें बच्चों को, महिलाओं को मिलेट्स दिए जाएंगे। विवेक, तो बता दें आपको, भोपाल से एक खबर बता रहे हैं, जहां आंगनबाड़ी में मिलेट्स की ब्रांडिंग होगी। आंगनबाड़ियों में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। 17 अप्रैल से लेकर 1 मई तक अभियान चलाया जाएगा। गर्भवती और कुपोषित बच्चों को मिलेट्स दिए जाएंगे। महिला बाल विकास ने इसको लेकर कार्यक्रम जारी किया है। स्वास्थ्य, जनजाति सहित पंचायत विभाग इसमें शामिल है। मिलेट्स को लेकर ब्रांडिंग की जाएगी। आंगनबाड़ियों में पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जानकारी लेते हैं, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मिलेट्स को लेकर नई योजना, आंगनबाड़ियों में अब महिलाओं और बच्चों को भी मिलेट्स दिए जाएंगे। देखिए, सरकार मोटे अनाज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रही है और इसके तहत लगातार ब्रांडिंग की जा रही है। और अब आने वाले दिनों में 17 अप्रैल से 1 मई तक पोषण आहार कार्यक्रम चलाया जाएगा प्रदेश भर की आंगनबाड़ियों में। और महिला बाल विकास ने तैयारी की है कि प्रदेश भर में गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें मोटे अनाज से बने हुए पकवान खिलाए और उसके बारे में जानकारी दी जाए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, जनजाति और पंचायत विभाग को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। जो 1 सप्ताह तक लगातार जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसमें अमेनिया की जांच है और इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो कुपोषण से जुड़े हुए हैं। इन तमाम विषयों को लेकर कार्यक्रम चलाए जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि गर्भवती महिलाएं और जो कुपोषित बच्चे हैं, उन्हें मोटे अनाज के फूड्स खिलाए जाएंगे। किस तरीके से मोटे फूड को उगाया जाता है, उसकी भी यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ साथ जो किचन वाटिका आंगनबाड़ियों में बनी हुई है, वहां पर भी इन किस तरीके से मिलेट के जो फूड है, उन्हें किस तरीके से तैयार किया जाए, अनाज कैसे पैदा किया जाए, तो इसके लिए ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। और इस बारे में महिला बाल विकास ने आदेश सभी जिलों के कलेक्टरों को जारी कर दिया है। बिल्कुल लौटूंगी आपके पास विवेक, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे।